असलम जी मैं हूँ मारिया अशरफ वेलकम है आप सब लोगों का मेरे चैनल के ऊपर आज बड़ा सनी डे था तो मैंने कहा चले जी बच्चों को बाइक लेके जाएँ क्योंकि बच्चे भी ऑलमोस्ट दो वीक रह गए हैं हॉलीडे फिनिश होने वाली हैं तो हम पहुँचे रेड हाउस पार्क जो कि ग्रेड बाड़ में आता है बर्मिंग के अंदर अगर अभी तक आप इस पार्क में नहीं आए हैं तो ज़रूर आएँ क्योंकि इसमें अंदर बहुत सारी मज़ेदार किस्म की एक्टिविटीज़ हैं फ़न है प्ले लैंड है बच्चों के लिए बड़ों के लिए झील्स और भी बहुत कुछ जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे वीडियो के अंदर तो मैं तो इस पार्क को टेन ऑफ टेंट दूंगी अगर आप अभी तक नहीं आए तो मैं बार बार यही कहूँगी कि आप ज़रूर ज्वाइन करें ये हो सकता है कि बच्चे पार्क में आएँ और आइसक्रीम वैन से आइसक्रीम ना बाय करें ये तो हो ही नहीं सकता हम अभी आए ही हैं तो उनको फिर हॉट लगना शुरू हो गया उनका दिल घबराना शुरू हो गया उन्होंने कहा कि हमने जो घर में खाया था वो तो ख़त्म हो गया अभी तो आइसक्रीम खाने ही खानी है मैंने कहा चलें जी ये तो हो सकता है उन्होंने भी काफ़ी अच्छी किस्म की डेकोरेट की होती है आइसक्रीम के बच्चे को होता है कि नहीं ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन नहीं है हमारे घर के अंदर तो हमें यहाँ पे मिलती है हालांकि होती वही आइसक्रीम में निकला उसके ऊपर सिर्फ उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर या डिफरेंट डिफरेंट डेकोरेट डाली होती है ताकि बच्चों को थोड़ा अट्रैक्ट करें उसके बाद हम बच्चे पहुँचे कि अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो आप आउटसाइड भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी आपकी हेल्थ और फिटनेस के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हैं अगर आप जिम की मेंबरशिप नहीं ले सकते या बाइक की एक्टिविटीज़ में नहीं है तो चलो आप कोई बात नहीं पार्क के अंदर आए उन्होंने आपके लिए कुछ ना कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज जो आप इजीली कर सकते हैं स्पेशली ओल्ड जो है लोग या जो लेडीज़ बच्चों के साथ पार्क में आती हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं कि वो आएँ इसके बाद अगर औरतें अपने आप को अपनी सेहत का अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखती हैं तो उन्होंने फिर अपना ही कोई मसला है वो आप पे ही नहीं चाहती हैं कि वो कुछ तंदरुस्त और सेहत रहंद से, रह सकन उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अल्लाह ही माफ़ करे कि वो सोचते हैं कि ज़िंदगी जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है जब आप थोड़े फिफ्टी के ऊपर या सिक्सटी के ऊपर चले जाते हैं तो वो बस अपने आप को एक घर के अंदर ही बंद कर लेते हैं उसके बाद ये देखिए ये बच्चों का बड़ा मज़े का है स्पैडल क्लाइंबिंग इसके अंदर बच्चों ने बहुत इंजॉय किया बहुत फ़न किया और इसके बच्चे भी बड़े भी कर सकते हैं लेकिन चलो स्पेशली बच्चों का ज़रा है कि वो मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी मुझे तो चक्कर आने शुरू हो गए थे आई डोंट नो जब हम यंग होते हैं तो फिर डिफरेंट होता है कि चक्कर इतने नहीं आते हैं लेकिन फिर ये शायद वही चक्कर होते हैं जो हमने दूसरों को दिए होते हैं वापस मुड़ मुड़ के आ रहे होते हैं हकीकत है ये सच है ये ज़रूर बताइएगा <laughs> और ये देखें ये कितनी मज़े की क्लाइंबिंग है यहाँ बच्चे बहुत फ़न करते हैं क्योंकि अब मैं वीडियो बना रही थी तो मैं ऊपर नहीं गई समाइम मैं भी इनके साथ ऊपर जाती हूँ बहुत मज़ा आता है उसके अलावा जो पीछे यो देखे कितनी मज़े की है, है जिप लाइन इसके ऊपर बच्चों ने बहुत फ़न किया ये देखें ये बेचारी मेरी तरह इसका भी नहीं रहन होया इसने भी बहुत मज़े का फ़न किया कि मतलब कि अगर आप लेडीज़ जो बच्चों के साथ पार्क के अंदर आती हैं अपने आप को टाइम भी दे सकती हैं बच्चों के साथ मैं जब बच्चों के साथ होती हूँ तो मैं ये नहीं होता कि सिर्फ बच्चों को ही देख रही होती मैं ख़ुद भी इनके साथ चिल कर रही होती फ़न कर रही होती हूँ यही आपका टाइम होता है अदरवाइज़ दुनिया में इतनी परेशानी है इतनी टेंशन है कि अगर आप वो लेना चाहें तो फिर दुनिया ही ख़त्म हो जाए पर टेंशन ख़त्म ना हो तो इसलिए मैं अपने आप को भी इनके साथ बिज़ी रखती हूँ ये देखिए ये बड़ा मज़े का बच्चों ने फ़न किया था और हमें हम ऐसे टाइम पे थे कि सारी बातें सनी डे था तो जब थोड़ी सी धूप लगती है ना तो स्पेशली जो यहाँ के लोग है न, हैं ना वो धूप से भागते हैं ठीक है फिर वो शेडो के अंदर जाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा क्वाइट था तो मेरे बच्चों को बिज़ी प्लाइन पे थोड़ा मौका मिल गया वरना ये बिज़ी पार्क होता है और यहाँ पर आपको यहाँ पर लाइन में लगना पड़ता है कि अगर आपको ये चीज़ें खेल रहे हैं स्पेशली प्लान होगी या एक्सरसाइज होगी तो वॉक के लिए भी काफ़ी अच्छा है उसके बाद हमने वन आवर जो है टेनिस भी बुक किया हुआ था फ़ाइव से सिक्स सिक्स से सेवन आई थिंक ये फाइव से सिक्स से yeah. फाइव से सिक या सिक्स से सेवन हमने टेनिस बुक किया हुआ था वो भी हमने खेला उससे पहले हम थोड़ा जल्दी आ गए थे ताकि मैं बच्चों को थोड़ा सा आगे पीछे भी लेके जाऊँ इसके अलावा यहाँ पे एक पास ही एक दो एक दो झील भी हैं इसी पार्क के अंदर मतलब कि आप नेचुरल चीज़ें देख के भी होता है कि आप वॉक कर रहे हैं चीज़ देखते हैं तो आपको काफ़ी एक अच्छी जो होती ना फीलिंग आ रही होती है वो लोग जो बस घर से बाहर निकलते नहीं हैं जी जी निकलेंगे तो ये होगा तो वो होगा कुछ भी नहीं होगा बस आप सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे थोड़ी सी सारी बातें आप एक, एक, कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपको थकावट तो होती है लेकिन वो एक दिन रेस्ट करने के बाद जब दूसरे दिन आपको जो दोबारा नहीं करते ना फिर आप और लेज़ी हो जाते हो तो खैर मेरे बच्चों ने मुझे भी इजी प्लान का, का बोले का, बोला कि आप भी करो मैंने भी किया तो मुझे लगता है कि एक बार मुझे ज्यादा ने किया तो फिर ये लड़ाई करते हैं कि आपने मम्मी को धक्का दिया था तो मैंने नहीं दिया जिस प्लान से धक्का तो मैंने भी देना है तो मुझे लगता है जब मैं मर गई ना तो ये इस बात पर भी लड़ाई करेंगी भाई आपने दफनाया था मैंने नहीं दफनाया था अब दोबारा निकाल के मैं भी दफनाऊँगी <laughs> उसके बाद हमने टेनिस खेला टेनिस खेलने के बाद यहाँ पर बड़ी मज़े की बैरी लगी हुई थी हमने वो तोड़ी वो तोड़ने के बाद यार मुझे कहता है कि डैडी कब तक आएगा मैं डैडी आए ना आए मुन लगता है एम्बुलेंस आ जाएगी क्योंकि इस दरख्त के ऊपर चढ़ के मैंने ये बैरिस तोड़ी थी अगर आप सोच लें क्या होगा उसके बाद हम घर पहुँचे घर पहुँचने के बाद हमने खाना पीना खाया और बहुत थक गए इतना थके थक कि ना पूछे ये रेड हाउस पार्क है तो ज़रूर आए ज़रूर इंजॉय करें बताइएगा ज़रूर इसके साथ ही इजाज़ चाहूँगी अल्लाह हाफिज़